अरे भाई लोग, कल शाम को जब फोन आया शोरूम से कि सर आपकी कल डिलीवरी है, तो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे आपसे वो चीज़ शेयर करूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि यार इससे पहले मैं चेतक राइड करता था, हिमालयन राइड करता था, और एक टाइम था जब मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लिटरली बाइक पसंद नहीं हुआ करती थी। फिर मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ी बाइक चलाने की, फिर बाइक राइडिंग की आदत पड़ी। पहले मैंने ख़रीदा सबसे पहले मैंने ख़रीदा था बाइक, अपनी ये ली थी, एवेंजर ली थी। उसके बाद एवेंजर बेचकर मैंने बुलेट 350 ली थी, मतलब क्लासिक 350 ली थी, वो चलाई बहुत दिन। फिर उसको बेच करके हमने लिया हिमालयन, जिसको हमने 4 साल चलाया, जिसका नाम हमने चेतक रखा था। आपने बहुत सारी राइड्स देखी होगी जो कि मैंने चेतक के साथ कंप्लीट की, और चेतक जिस दिन जा रहा था उस दिन भी एक अलग फील था, मतलब एक फीलिंग उससे एक जुड़ाव हो चुकी थी। लेकिन वही कहते हैं ना, आज नहीं तो कल किसी ना किसी को जाना होता है, तब तो कोई आएगा। तो चेतक गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। लास्ट ब्लॉक में आपने देखा, मैं नीम करोली बाबा जी का दर्शन करने गया था, तो बाबा के आशीर्वाद से और मेरे माँ बाप के प्यार से, उनके आशीर्वाद से, मेरे घर वालों के प्यार से, आशीर्वाद से, और आप सब जो मेरी फैमिली है, गो राइडर्स फैमिली, आप सबके साथ से, आप सबके प्यार से, आज वो दिन भी आ गया है कि मैं अपनी नई बाइक लेने जा रहा हूँ। आज डिलीवरी है, और मैंने सच में कभी सोचा नहीं था, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मेरे ये तक बाइक लूंगा, लेकिन इतनी महंगी बाइक लूंगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माँ बाप के प्यार से, आप सबके साथ से, आज वो ड्रीम भी पूरी होने जा रही है। थोड़ा इमोशनल चीज है, तो अभी फटाफट चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पहुंचते हैं वहां पे। और निकलने से पहले आप सबसे पूछ लेते हैं, कैसे हो यारो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चलिए फटाफट फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो यार निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों इतना, मतलब नर्वस मैं तब भी नहीं हुआ था जब मैं चेतक को लेने निकला था। पता नहीं इस बार चेतक 2.0 को लेने निकला हूँ तो इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। सो जी, आए हमारे मित्र हमें लेके जाने के लिए। देखो भाई, ये देखो हमारे ऑफिस के काम से जा रहे हैं। अरे बाप रे भाई, आपको 8 लाख की बाइक का के आप थोड़े ले, तुमको बताइए तो आ रही है। ये देखो घूमने आदमी जाएगा, हम तो साथ में चल रहे हैं, मॉरल सपोर्ट की, चचा की कमी पूरी कर रहे हैं। कोई चचा नहीं है, चाचा तो बोले हैं कि लेके जाएंगे हम बाइक, कहाँ ले घुमाएंगे, किसी किसी को बोले हैं। रेनो सो गाइस, ये आशीष भाई हैं और ये हमें समझा रहे हैं अभी सर्विस वाली बुक जो है वो। बताइए। सो इसमें आपको टोटल 3 इयर्स का वारंटी मिल जाता है, जिसमें आपका एवरी ईयर 2 सर्विस करना है, बट फर्स्ट ईयर आपका 3 सर्विस आता है। सो पहला सर्विस जो है वो 1 मंथ और 1000 किलोमीटर विच एवर अर्लीस्ट फ्रॉम डेट ऑफ सेल। नेक्स्ट सर्विस जो है आपका 6000 किलोमीटर में आ जाता है एंड 6 मंथ्स। थर्ड सर्विस 12000 किलोमीटर एंड 12 मंथ्स। आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद में जितना भी सर्विस है वो एवरी 6000 किलोमीटर एंड 6 मंथ्स के गैप में आता है। इस बीच में अगर कोई भी सर्विस मिस होता है तो वारंटी लैप्स हो सकता है। वारंटी में सर्विस में क्या क्या पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लाइक वॉशिंग, ऑयल फिल्टर, क्या क्या चीज़ चेक होता है, रिप्लेस होता है, क्लीन होता है, वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रिकॉर्ड शीट है, यहाँ पे रिकॉर्ड वो वर्कशॉप वाला आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन करके देगा। और ये आपके जितने भी सर्विसेज है सब पेड सर्विस है, फ्री सर्विस इस पे कोई भी नहीं आती है। बाकी आपको एक्सटेंडेड वारंटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, तो वो कब मिलेगा? वो 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो अच्छा, थोड़ा सा वर्किंग चालू है। ओके, तो वो क्लियर हो जाएगा। और अपना आरएसए वो भी मिल जाएगा। वो कितना टाइम लगेगा? वो मैं आपको कल तक दे देता हूँ। हाँ, आरएसए दे दीजिए मेरे को, मेरा आरएसए हो जाएगा ना। सो आरएसए में क्या होगा, अभी जो आरएसए में पंच करूंगा उसका कूलिंग पीरियड रहेगा, 2-3 डेज कूलिंग पीरियड रहेगा। आरएसए मैंने पंच कर दिया है, फिर भी आप आरएसए यूज नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 दिन उसका कूलिंग पीरियड रहेगा। जैसे कूलिंग पीरियड खत्म हो जाता है वो एक्टिव हो जाएगा, फिर पैन इंडिया कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, चेतक 2.0 उधर लगी हुई है, वो दिखाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा। उसने बोला था इको स्पोर्ट डालनी थी। बहुत जल्दी ये पर्दा हटने वाला है। रना
जी तो यार सारी चीज़ें होने के बाद अब जो है बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फंक्शन करता है सब कुछ, फिर से आशीष भाई बताएंगे। सो सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बाइक को एज इट इज नीट एंड क्लीन रखना है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं गाड़ी को। एंड इसमें जो फ्यूल आप डालेंगे वो अनलिमिटेड और पावर स्पीड वगैरह डाल सकते हैं, नॉर्मल जो फ्यूल आता है वो आपको नहीं इसमें डालना है। होता क्या है, नॉर्मल फ्यूल पे आप डाल के चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जर्किंग मिसफायरिंग का इश्यूज देखने को मिलता है नॉर्मल फ्यूल में। ये वाले मॉडल में आप बेसिकली पावर और स्पीड ही ज्यादातर यूज करिए। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर यूज कर सकते हैं साल में एक बार, जिससे अपना जो फ्यूल इंजेक्टर है वो आपको कभी क्लीन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टायर प्रेशर की बात करूं तो टायर प्रेशर आगे 32 पीछे 36 रख सकते हैं। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो एक दो पीएसआई कम ज्यादा करेंगे चलेगा, बिकॉज ये ट्यूब टायर है, तो कंफर्ट के लिए आप 2 PSI कम करके चलाओ, आप राइड को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज आप जो कंपनी ने मेंशन किया टायर प्रेशर वो मेंटेन कर सकते हैं। और लगेज के साथ अगर चल रहा हूं, मतलब पैनियर्स या सबके साथ, तो उसमें 36 आप प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं। बैक आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो मोशन वाइज लाइक गियर शिफ्ट करना, आपको सडनली एक्सेलरेशन नहीं देना है, जैसे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पावरफुल मोटरसाइकिल्स में स्पोर्ट्स बाइक में यूज करते हैं, वो चीज आपको इसमें नहीं करना है। स्पीड की बात करूँ तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, लाइक अदर ब्रांड्स बोलते हैं कि 50, 60, 70 आपको स्टार्ट में मेंटेन रखना है, उसके बाद आप फ्रीली चला सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप 110, 120, 130 आराम से चला सकते हैं, लेकिन एक चीज का मतलब है कि आपको मोशन वाइज स्पीड बढ़ाना है, सडनली एक्सेलरेशन नहीं देना है, ना खड़ी गाड़ी पे ना रनिंग पे, बस इतना ही है इसमें। ओडोमीटर का थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या है इसमें। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों भी मिल जाता है। सो एनालॉग में आपको मिलेगा टैकोमीटर, टैकोमीटर में आप देख सकते हैं इंजन का आरपीएम कितना है, वो यहाँ पे शो करेगा। डिजिटल में आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, कौन से स्पीड पे चल रहा है वो शो करेगा, इंजन का टेम्परेचर क्या है वो शो करेगा, इंजन का टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी लिखा, सी के आगे एक डॉट है, वो डॉट इंक्रीज होएगा, मतलब इंजन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। सो किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे 5 किलोमीटर दिख रहा है, ये ऑडोमीटर है, ये रिसेट नहीं होता है, ये आपका इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जैसे आप उसको प्रेस करते हैं ट्रिप ए आ जाता है, ए बी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सो आप इसको रिसेट कर सकते हैं आपके राइडिंग के हिसाब से। सेटिंग करना इजी है, सेटिंग का मैं आपको एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा, बहुत इजी है। एंड यहाँ पे आपको ऊपर जो फंक्शंस देखने को मिल रहा है, लाइक ये लाइक नहीं फ्यूल इंजेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, माल फंक्शन, एक्चुअली ये माल फंक्शन लाइट दिखा रहा है। सो माल फंक्शन लाइट रनिंग के बाद बंद हो जाता है, स्टैंडर्ड आइडल मोड पे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो ये चालू रहेगा। लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स है यहाँ पे, यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट मिल जाता है, पासिंग लाइट है, पासिंग लाइट में आपको दिखा देता हूँ, ये ऑन होगा, सो ये ब्लू कलर में ऑन हो रहा है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, सॉरी फ्यूल नहीं, ऑयल इंडिकेटर दिया हुआ है,
तो अगर इसमें इंजन में ऑयल कम है तो ये इंडिकेट करेगा, ब्लिंक करना शुरू कर देगा। यहाँ पे ABS लाइट मिल जाता है। ABS लाइट का एडवांटेज, ABS का तो आपको एडवांटेज मालूम ही है। ABS में आपको कैसा है कि अगर ABS काम नहीं कर रहा है तो ये लाइट कॉन्स्टेंटली चालू रहेगा। अगर लाइट ऑफ हो गया तो आप समझ जाइए आपका गाड़ी का ABS प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या ABS का स्विच और कुछ कोई ABS नहीं है, ये कांस्टेंट ऑन रहेगा ABS बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाइज कंपनी ने इसको। जैसे कुछ कुछ ट्रेन्स होते हैं ना जहाँ पे हमें ABS को ना स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो उसका कुछ है ऐसी कोई जगह जहाँ फ्यूज या कुछ नहीं, नहीं, अच्छा वो नहीं है क्योंकि हमारे हिमालय में था कि फ्यूज निकाल दो आप अंदर सीट के उसमें था। ABS और किलोमीटर दोनों भी बंद हो जाएगा। ओके ओके, किलोमीटर भी रीडिंग नहीं कर पाएंगे और ना ABS काम करेगा। Okay. तो एज पर द सेफ्टी वाइज वो चीज ओके। और ये स्विच है, ये देखो स्विचेस आपको ब्लू बैकलाइट के साथ, ये रात को काफी खूबसूरत दिखने वाला स्विच दिया हुआ है जहाँ से आप फॉग लैंप लगा सकते हैं। ये आपका पार्किंग लाइट है, ये आप जैसे ऑन करते हैं आपका पार्किंग हजार्ड लाइट चालू हो जाता है, आप देख सकते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप दोनों लाइट देख सकते हैं, दोनों भी हजार्ड लाइट चालू हो जाते हैं। इसके नीचे आपको डीआरएस मिल जाता है, आगे फॉग लैंप इसमें ये सारी चीजें जो है ना, नकल गार्ड कंपनी की तरफ से लग के आया हुआ है, वेंशल कंपनी की तरफ से है, प्लस ये चीज जो है पैनिंग स्ट्रेल जो है ये, और ये बैक का जो हम लोग टॉप बॉक्स लगाते हैं, ये सारी चीजें लग के आ रही है। ये अलग से चार्जेस नहीं है, जो प्राइस है उसी में सारी चीजें इंक्लूड है, देख लो। तो ये सारी चीज़ें और चीज़ें कुछ कंपनी लगा के, हाँ ये भी लेग गार्ड भी आपको लगा के कंपनी देती है, तो सही है यार। इसको अगर आप अलग से लगाने जाओगे तो मार्केट में कम से कम 70, हाँ मिनिमम 40 से 50 हज़ार, तो वो है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। बाकी और कुछ रहा क्या? हाँ, इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि एक ही तरफ नहीं, ये जो फॉग लैंप आप लगाना चाहते हो यहाँ भी है और इधर भी है, दो है। इसका आपको बेसिकली एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पे दो फॉग लैंप आप एट अ टाइम लगा सकते हैं, जिसको दोनों को सेपरेटली कनेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट या राइट का कोई हेडलाइट बंद या चालू करना है तो यहाँ पे सेपरेट स्विच का बेनिफिट ले सकते हैं। इधर और एक ऑप्शन है, अगर आप दो फॉग लैंप की जगह पे चार फॉग लैंप लगाते हैं तो एक कॉमन स्विच के अंदर कनेक्शन दे सकते हैं, तो आपको ब्लू येलो व्हाइट जो भी कलर का फॉग लैंप लगाते हैं उसको सेपरेट स्विच का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज आपको मिल जाता है इसके अंदर। सो गाइस, अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हो बाइक, तो बुकिंग अमाउंट कितना देना होता है? 10,000 रुपये देकर के आप बुक कर सकते हो। और एक चीज़ है, जैसे मैं अपने बताता हूँ कि जब मैंने बुकिंग की थी उस समय बाइक का प्राइस कुछ और था, लेकिन वो उस समय शायद वो क्लोजिंग जो चलता है ना टाइम, उससे पहले मैंने मार्च फर्स्ट वीक में आई थिंक मैंने 10,000 देकर बुक किया था, लेकिन जब बाइक का पूरा पेमेंट जो था वो मैंने मई में किया, तो क्लोजिंग से पहले जो प्राइस था, बाद में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें बढ़ा दी थी, बाइक बता रहे थे कि 20-25 हज़ार के आसपास एक्सपेक्ट किया था इन्होंने कि बढ़ेगा प्राइस, लेकिन 9,000 से 9,000 रुपये हाइक हुआ, तो वो सब ऐड होगा, ठीक है। तो आप जब बुक कराते हो बाइक, ऐसा नहीं है कि जिस समय बुक कराओगे आप, वो जो प्राइस है आप जब लेने जाओगे तो वही प्राइस होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा, तो इस चीज़ को समझ के कीजिएगा। ये नहीं कि उस समय आपने किया फिर बाद में आकर लड़ने लगोगे आप, नहीं भाई मैंने तो वो बुकिंग की थी इस प्राइस में, ये वो मत करना, क्योंकि ये सब हाई रेंज वाली बाइक्स हैं, इसमें होती हैं चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं थोड़ी, तो ये बहुत ज़रूरी था इन्फॉर्मेशन देना, ये तो आप आकर लड़ने लगोगे। और कुछ बता दीजिए इसमें, इसमें एक चीज़ और मैंने देखा, ये स्टैंड कंपनी के साथ कंपनी से मिलता है, ये डबल स्टैंड, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो ये है। इस आदमी के चक्कर में लेट हुआ, इस आदमी के चक्कर में, यही है आदमी जिसके चक्कर में लेट हुआ। चलो अंदर, ये हमारे आत्मकाश मिश्रा जी, जिनको बहुत सारे सीरियल सीरियल वेब सीरीज में देखा होगा, जामताड़ा और क्रिमिनल जस्टिस, सब शाहरुख सर के साथ एक ऐड भी आया था भाई का, ये राजेश पांडे जी, ये हमारे दोनों चुन्नू मुन्नू, अफजल एंड नितिन, एक डीजे एक जॉब वाले। ऐसे लग रहा है कि ये दोनों राइडर जा रहे हैं राइडिंग पे, निकल रहे हैं। आवाज़ तो भाई ये है कीवे की बाइक, ये रही बैन अली हमारी, ये दोनों कीवे की है, आवाज़ सुन रहे हो? चलिए अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं बाइक को और आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं, इसकी आवाज़। तो
गाइस, ये भाई लोग आए थे हमारे बाइक डिलीवर के टाइम पे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग अगर व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। सो अभी निकलते हैं। या हाँ, मैं करा लेता हूँ, मैं काम करा लेता हूँ, तो ये थैंक्स पे ठीक। सो भाई, बेनेली की सब चीज़ अच्छी है, लेकिन एक ही चीज़ मुझे गड़बड़ लगी कि बाइक में सिर्फ 1 लीटर के आसपास पेट्रोल डालते हैं ये लोग। इतनी बड़ी टाकी 20 लीटर की टाकी है, तो ये चीज़ बेनेली से अगर देख रहा है भाई कोई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। बाकी सब तो बढ़िया है। चलिए अब ये बाइक चलेगी, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी डिलीवरी हुआ है। भाई साहब इतना मतलब नर्वस हूँ ना यार, इतना डर लग रहा है इतनी बड़ी बाइक चलाने में। बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ मैं। आ गई रोड पे हमारी चेतक 2.0। अभी तक चेतक दौड़ रही थी, अब चेतक 2.0 दौड़ेगी। मजा मजा। और इसमें है 6 गियर भाई साहब, 5 गियर तक चलाया हुआ हूँ बाइक अभी तक मैं, ये है 6 गियर। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Chalo guys, traffic mein bhi chalane ka experience ho jayega abhi. Ki traffic mein kaise TRK ko chalaya ja sakta hai, TRK 502X ko, hamare Chetak 2.0 ko traffic mein kaise मैनेज किया जाएगा। देखो ट्रैफिक देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त ट्रैफिक है भाई साहब। मुंबई में अगर आप आते हो तो कोशिश करना, जहाँ से भी आ रहे हो, बाहर देश से, बाहर गांव से आ रहे हो, तो ध्यान रखना कि भैया ऐसी टाइम पे आपकी ट्रेन पहुँचे या ऐसे टाइम पे आपका फ्लाइट पहुँचे कि ऑफिस आवर ना हो, नहीं तो ऑफिस आवर में फंसे तो फिर तो लंका लग जाएगी भैया, लंका लग जाएगी। बाइक के फर्स्ट डे ही हॉर्न बंद हो गया हमारे चेतक का। कॉन्फिडेंस आ जाए तो बाबा फिर भगाएंगे अपन। अफजल बोल रहा है भगाओ भगाओ भगाओ, मतलब कॉन्फिडेंस आने तो फिर तो भगाएंगे क्या, दौड़ाएंगे क्या, उड़ाएंगे भैया उड़ाएंगे। आगे बढ़ो। बस बढ़िया। चलो बाबा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, निकलते हैं, पूजा का काम हो गया। हाँ, बहुत सही पंडित जी थे यार, बहुत सही पंडित जी थे। कोई पैसे का डिमांड नहीं, जो आपको इच्छा है वो दे दीजिए। जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ। हाँ, तो अब आएगी भाई साहब तोड़ फोड़ व्लॉग्स, अब देखना क्या होगा। तहलका मचेगा भाई, तहलका, आपका दोस्त आपका भाई तहलका मचा देगा, तहलका चेतक 2.0 लेके। बहुत जल्दी बहुत लंबी राइड पे निकलने वाला हूँ, समझ लो कि 8000 किलोमीटर के आसपास की राइड पे निकलने वाला हूँ। सोचो क्या होगा, तोड़ फोड़ पूरा मचाएंगा अकेले, वो भी सोलो। हो सवेरों का मैं